अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो एप्लीकेशन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि डिस्कस मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट बॉडी मूव वर्टिकली स्मूथ सेंट्रल सरफेस। याद रखें ये न्यूटन सेकंड लॉ मोशन की एक एप्लीकेशन बनती है, जिसमें हम क्या करेंगे, दो बॉडीज लेंगे की मोशन सेंट्रल, जिसको सरफेस ऑफ टेबल जाएगा करेगी ये बॉडी, दूसरी बॉडी होगी नीचे की तरफ डाउनवर्ड इस पे अप्लाई होने वाली फोर्स या टेंशन फोर्स एक्सेलरेशन वो सारे हम फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, हम देखेंगे कि इस पूरे स्नैरियो में, इस पूरे ऑपरेटस में तीन तरह की फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। फर्स्ट वन इज टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, सेकंड वन इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और तीसरी है नॉर्मल फोर्स। वन बाय वन हम ब्लॉक को डिस्कस करेंगे, उन पर अप्लाई होने वाली फोर्सेज कैलकुलेट करेंगे, जहाँ से हम रिजल्ट कंक्लूड करेंगे। एक फॉर द फर्स्ट ब्लॉक जो ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ सरफेस ऑफ टेबल पे पड़ा हुआ है, उस पर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। एक उसमें टेंशन है, उस पर जो न्यूटन्स ने कहा कि एफ इज इक्वल टू फोर्स आप अप्लाई करते हैं उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इस टेंशन फोर्स की वजह से। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ दिस फोर्स इज इक्वल टू टेंशन फोर्स, टी इज इक्वल टू एम वन ए। सेकेंड इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो उस पर नॉर्मल फोर्स है, उसका वेट है और उसके जो कि उसके नॉर्मल फोर्स के इक्वल है। दूसरी फोर्स में लिखूंगा नॉर्मल फोर्स इक्वल टू एम वन जी। ये वाला तो हम आगे डिस्कस ही नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जितना उसकी वर्टिकल मोशन तो है ही नहीं, जितना उसका वेट है उतना नॉर्मल फोर्स, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। हमारी बहस इस टेंशन वाली फोर्स पर होगी, ठीक है। सेकेंड ब्लॉक को अगर हम लें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो क्या है, डाउनवर्ड फोर्सेज आर टेकन एज पॉजिटिव, अपवर्ड फोर्सेज आर टेकन एज नेगेटिव। फोर्स जो नीचे की तरफ लग रही है एम टू जी, ये वाली फोर्स प्लस टोटल फोर्स ऐड करेंगे हम, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन में है तो प्लस एन टू माइनस टी आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट एम टू जी माइनस टी, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर थ्री। और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पर जो फोर्स लग रही है एफ इज इक्वल टू एम टू ए, चूँकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से अटैच रहे हैं। याद रखने स्ट्रिंग को हमने इनएक्सटेंसिबल रखा हुआ है, क्यों? ताकि एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट रहे। दूसरा, हमने पुली को फ्रिक्शन लेस रखा हुआ है, ये हमारी सपोजिशन है अपनी आसानी के लिए, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। पुली को हमने फ्रिक्शन लेस रखा हुआ है, क्यों? ताकि इसमें जो टेंशन है स्ट्रिंग में, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ जो उस पर फोर्स अप्लाई होगी वो एम टू ए होगी, चूँकि उसका मास एम टू ए है। दोनों इक्वल हैं तो दोनों को आप इक्वलाइज करें इक्वेशन के रूप से, एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन वन फर्स्ट ब्लॉक की और फाइनल इक्वेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक दोनों को ऐड करेंगे। इक्वेशन ऐड इक्वेशन वन एंड क्वेश्चन फाइव, यू विल गेट लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होती है, राइट राइट में एम टू जी माइनस टी इसमें ऐड होगा प्लस टी, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड हो रही है, राइट राइट में एम टू ए इसमें ऐड क्या होगा प्लस एम वन ए। टी से टी कटना है, यू विल गेट एम टू जी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा। यहाँ से एक्सेलरेशन निकलेगा एम टू जी ओवर एम वन प्लस एम टू, सिंपली
दिस इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बोथ बॉडीज अटैच विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। हम वो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक की मोशन वर्टिकल है, दूसरे की हॉरिजेंटल है, दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें जो दोनों इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से आपस में जुड़े हुए हैं। उस रत में आपने इस एक्सप्रेशन पे पहुंचना होगा। साथ ही वो आपसे टेंशन पूछ सकता है, क्योंकि हम स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल ले चुके हैं तो जो टेंशन होगी थ्रू आउट द स्ट्रिंग वो सेम होगी। वो कैसे फाइंड आउट होगी? ये क्वेश्चन आपने क्वेश्चन वन निकाली है। आप लिखेंगे एज वी नो टी इज इक्वल टू एम वन जी, टी इज इक्वल टू एम वन ए। एक्सेलरेशन की जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की है वो इसमें पुट कर दें, यू विल गेट टी इज इक्वल टू एम वन एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू जी। दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग सच दैट वन इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अदर इज वन इज इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड अदर इज ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज़।